Hey guys, welcome back to the channel. This is Sameer and you are watching MSQ Vlogs. So guys, ये पूरी सीरीज के हीरो है ये दोनों बकरे, डॉलर और बुल। आप देखें इन दोनों बकरों को, माशाल्लाह। और भाई, जैसे मैं बोलता हूँ हर वीडियो में और हर एक पॉइंट पे, आप भी प्लीज़ बोलें, ये बकरे ऐसे शो करने वाली क्वालिटी नहीं है। इसीलिए मैं बोलूँगा कि जो कोई भी देखे प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर बोले। ये तो हमारे मान सम्मान की बात है कि लोग रिस्पेक्ट करते हैं और शो करते हैं चीज़ें, ठीक है। तो आप दोनों चीज़ें देखें और शौक़ पूरा करें। ये बहुत अच्छी क्वालिटी के दोनों कश्मीरी बकरे हैं। मैंने तो अपने भाई अभी तक नहीं देखा ऐसे बकरे, ठीक है। थोड़ा सा दूर दूर रखो इनको। हाँ, अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। ये चेहरा बहुत देर से छुपा हुआ था इस बकरे की वजह से इनको भी आना पड़ गया। अख्तर भाई, क्या है ये, क्या मतलब, क्या तुम्हारी, कैसे कर रहे हो यार ये सब तुम? भाई बस शौक है। हाँ, बाप रे बाप, माशाल्लाह भाई, सलाम है आपको यार बॉस। ये वीडियो बनाते भी वो आदमी की हालत क्या हो गई है, और उसके बाद बकरों को देखना, मतलब दिन भर ऐसे बकरों से मतलब रहना इनके बीच में, मैं तो बोलूँगा भाई हेड्स ऑफ, माशाल्लाह। अख्तर भाई, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी इसको ख़त्म करें क्योंकि मेहनत ज़्यादा लग रही है। ये बकरे के बारे में बताओ आप प्लीज़। बकरा मैंने ना लेके आया था जंगल से। हाँ, पटना के शौक के लिए उधर से देख के लिया था। अच्छा, क्या नाम रखे इसका? डॉलर। अच्छा, डॉलर क्यों है? मतलब क्वालिटी ऐसी है कि डॉलरों में बिकने वाली? जब मेरे को पैसे की जरूरत थी ना तो मेरे भाई ने पैसा दिया था मुझे, और वो करेंसी थी डॉलर में। ऐसा? मैंने नाम भी डॉलर रखा। अच्छा, तो इसका नाम ही डॉलर रख दिए भाई, माशाल्लाह। क्या पैसे है मैं वही बोलूंगा ना इसके लिए। और ये लाइफ, मतलब जब तक ये है तब तक यादगार रहेगा वो, है ना? क्या वेट पर है ये भाई? भाई ये फिलहाल तो होगा 90-100 के आसपास ही होगा। और कश्मीरी ब्रीड है जी भाई। मैं आपको इसका चेहरा दिखा दूं गाइस जी भाई। इतने बड़े मोबाइल और कैमरा इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। अगर किसी को हकीकत में कश्मीरी बकरे का शौक करना है ना, सो गाइस यहाँ पर आ जाओ एक बार। मैं तो बोलूँगा आके ये बकरा देखो, बस आपका ज़िंदगी भर का शौक पूरा हो जाएगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। बहुत बड़ा बकरा है माशाल्लाह, बहुत बड़ा बकरा है। और अभी ये 90 kg पे है, इन्होंने बताया 130 kg पे था, जिससे इसको रिवर्स किए ताकि अभी गर्मियों के सीज़न में ये सर्वाइव कर पाए, क्योंकि ये ठंडे मौसम के बकरे हैं, गर्मी इनको बहुत परेशान करती है। आप देख सकते हो बकरा ये कंट्रोल में नहीं है क्योंकि ये गर्मी से परेशान है। ऐसा होता है क्या गर्मी की वजह से बकरा बैलेंस ज़्यादा छिड़छिड़ होता है उसमें, खाना पीना? यही बकरे होते हैं क्या? सभी बकरे होते हैं ज़्यादातर, तो यही बकरे होंगे। हाँ, क्योंकि ठंडी के मौसम। ओके, ऐसा तो आप अभी इनको फीड में थोड़ा सेट है ये क्लाइमेट, क्योंकि मेरे पास बकरा आके टाइम हो गया, साल भर हो गया। अच्छा, तो ये बारिश भी निकाला है, गर्मी भी निकाला है, तो आप फीड भी ऐसी कुछ देते होगे कि मतलब ये ठंडा रहे? वही रहे। माशाल्लाह, इसके सिक्के क्या फीट पे रहे, कितने फीट के होंगे? वो तो फीट बोलेंगे तो देख लो, डेढ़ डेढ़ दो दो फीट होंगे मेरे ख्याल से, प्लस 2 feet के ऊपर है ना? सही, माशाल्लाह। कितने दांत पर है ये भाई? 8 दांत। 8 दांत पे ही होगा। देखिए इसके बाल इन्होंने निकाल दिए। इसका एक फोटो मुझे सेंड करना जब ये आया था जी भाई, वो तो इस पॉइंट पे अपन उसको ऐड कर देंगे, वो अपन ऐड कर देंगे। इसके बाल वाला फोटो भी हम लोग आपको दिखा देंगे इसी वीडियो के अंदर साथ ही में, ठीक है। ये था इनका डॉलर, और पीछे जो खड़ा है उसका नाम है बुल। थोड़ा सा इसको अलग कर दीजिए, उसके डिटेल पे अपन थोड़ी बात करेंगे, और फिर एक थंबनेल के लिए इसको रोकना, इसको जाने मत देना। सो गाइस, ये है इनका दूसरा बकरा, इनकी फार्म की शान, आन बान और शान, बुल। ये भी कश्मीरी है जी भाई, और ये इसके साथी का है क्या? ये वो पहले आया था, ये बाद में आया, ये बाद में आया। ये इसकी क्या डिटेल है? ये भी पूरे दांत पे भाई आया था, जब 6 दांत पे था मेरे पास। ओके, और ये उससे ज्यादा एग्रेसिव है ना ये? जी जी। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो ये भी कश्मीरी में है दोनों, ये जो है क्या नाम है इसका? बुल। इसका बुल नाम है। और इसका नाम है डॉलर, ठीक है। दोनों सेम क्वालिटी के हैं क्या? जी क्वालिटी या सेम ही है ये, लेकिन
अपना चीज अलग अलग है, मतलब दोनों नस्ल अलग अलग है क्या? नस्ल एक ही है, नस्ल अलग एक ही है, लेकिन वो अलग 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 है, मतलब वो 100% बोलेंगे इसको जी, 100% दोनों है, दोनों 100% दोनों 100% ही है, हाँ कश्मीरी, ओके, लेकिन क्या फर्क है दोनों में, वो जानवर इससे साइज में बड़ा है थोड़ा सा, वो फ्रेम बड़ी है उसकी, साइज में भी है, ओके, माशाल्लाह बहुत बढ़िया। ये कितने दांत पर है? 8 दांत पर है ना ये, और इसका वेट अभी मेरे पास ही आके 8 दांत की है भाई, और इसका लाइफ वेट क्या है अभी? इसका लाइफ वेट होगा 80-85 kg, 80-85 kg होगा, माशाल्लाह बहुत बढ़िया। उसके फेस का तो जवाब ही नहीं है, मैं शूट इसको, हाँ बस 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 हो गया, बहुत बेहतरीन माशाल्लाह। सो गाइज, ये दोनों बकरे इनको नहीं देने, बस ये एक शौक करवा रहे हैं आप लोगों का, और अगर ऐसे कोई बकरे मांगता है अख्तर भाई, खरीद के दे देंगे क्या ऐसा कुछ? जी भाई, मेरा तो ये ट्रेडिंग का काम ही है कश्मीरियों में, इस क्वालिटी के बकरे आप दिलवा देते हो? एक्सोटिक जिंग बोलो, अंगूरा बोलो, कश्मीरी, ये सब बकरे का टोटल ये ट्रांसपोर्ट का अपना, सॉरी ट्रेडिंग, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग का, हाँ। तो ये आप मतलब अगर कोई बोलता है मेरे को ऐसा ही बच्चा चाहिए, छोटा बच्चा चाहिए या बड़ा बकरा चाहिए, दो चार दांत पे आप अरेंज करवा दोगे? तो गाइज, अगर ये बकरे तो इनके पास नॉट फॉर सेल है, नहीं देना इनको, लेकिन इस क्वालिटी के बकरे ये आपको अरेंज करवा देंगे, आप इनसे कॉल पे बात करें, इनका इंस्टाग्राम आईडी है, क्या नाम है? टीम जोगेश्वरी करके इनका इंस्टाग्राम आईडी है, आप उस पर फॉलो करें, इनका पेज देख ले एक बार, ठीक है? और ऐसे क्वालिटी के बच्चे अगर आपको चाहिए, बकरे अगर आपको चाहिए तो आप इनसे कांटेक्ट करें, फिलहाल ये बकरे नॉट फॉर सेल है, लेकिन ऐसे बकरे ये आपको अरेंज करवा देंगे, ठीक है? सो गाइज, ये वीडियो को क्लोज करूंगा, नंबर मैं स्क्रीन के ऊपर इनका दे दूंगा, ताकि नंबर मेरा रहेगा और एक जो मेरे साथ में मेरा पार्टनर है उसका भी रहेगा नंबर, ओके। आपके पार्टनर का नाम क्या है? सैफ नाम है मेरे पास, सैफ भाई, ठीक है? तो सैफ भाई का भी नंबर मैं दे दूंगा, सो आप लोगों अगर इनसे कॉन्टैक्ट करना है तो आप जरूर कॉन्टैक्ट करें, इस क्वालिटी में अगर आपको इंटरेस्ट है, ऐसे बकरे चाहिए हो आपको, तो आपको ये अरेंज करवा देंगे। कितने दिन लगता है अगर पैसा पेमेंट वगैरह का क्या रहेगा इसके अंदर? पेमेंट का कैसा रहेगा, स्टार्टिंग में टोकन डाला जाता है, फिर उसके बाद बकरा निकलने के बाद ट्रांसपोर्ट में आने के बाद में बाकी का पेमेंट लगता है, पूरा पेमेंट मतलब बम्बई पहुंचने के बाद, बॉम्बे पहुंचने के बाद पूरा पेमेंट, खाली टोकन लेना पड़ेगा? टोकन क्या अमाउंट लेते हो आप? टोकन सामने वाला जैसा देते, कम से कम 10,000 के आसपास तो आना ही चाहिए, ओके 10,000 के आसपास का पेमेंट तो रहेगा, भरोसा की फिर क्या 1,500 में ऐसा टोकन देने वाले बहुत से मिलते, सही बात है, एंड टाइम पे फिर फोन नहीं उठाया किसी ने या किसी ने रिप्लाई नहीं दिया तो फिर उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, सही है। सो गाइस, ये वीडियो क्लोज करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।